3D प्रिंटिंग एक फास्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी है जिसके एप्लीकेशंस बहुत है, फ्रॉम टिश्यू प्रिंटिंग इन बायोमेडिकल इंडस्ट्री टू कस्टम मेटल पार्ट्स प्रोडक्शन इन एरोस्पेस इंडस्ट्री। बट क्या ये एनवायरमेंट के लिए अच्छा है? सो लेट्स फाइंड आउट। फर्स्ट है रिड्यूस्ड वेस्ट। 3D प्रिंटिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इससे कंपनीज अपना वेस्ट रिड्यूस कर सकती है। जब हम कन्वेंशनल CNC मैन्युफैक्चरिंग यूज़ करते हैं तो इसमें अप टू 70% ऑफ द मटेरियल जो कट किया जाता है स्क्रैप में चला जाता है, जबकि जब हम एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज़ करते हैं इसमें प्रोडक्ट लेयर बाय लेयर मटेरियल डिपॉजिट करके प्रोडक्ट बनाया जाता है। इसका मतलब इसमें कोई भी स्क्रैप नहीं प्रोड्यूस होता और कुछ वेस्ट नहीं होता, जो एनवायरमेंट के लिए बहुत अच्छा है। अकॉर्डिंग टू ए पेपर पब्लिश्ड इन द जर्नल एनर्जी पॉलिसी, 3D प्रिंटिंग से प्रोडक्शन कॉस्ट 170 से 593 बिलियन डॉलर्स तक कम हो सकती है। इससे एनर्जी यूज भी 2.54 से 9.3 एक्साजूल से कम हो सकता है और CO2 एमिशंस भी 130.5 से 525 मेट्रिक टन्स तक कम हो सकता है बाय द ईयर 2025। नेक्स्ट आता है रिड्यूस्ड शिपिंग नीड्स। जब हम मास मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल्स या पार्ट्स को लॉन्ग डिस्टेंस पर भेजते हैं तो इससे काफ़ी कार्बन एमिशन होता है, जो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है। जबकि 3D प्रिंटिंग में हम साइट के नज़दीक पार्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, वेर एज रिटेलर स्टोर्स में ही गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरर्स मशीनरी के रिप्लेसमेंट्स पार्ट ऑन साइट बना सकते हैं और इवन कंज्यूमर्स भी घर पर ही आइटम प्रिंट कर सकते हैं। इससे शिपिंग डिस्टेंस और कार्बन एमिशंस कम हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सस्टेनेबल मटेरियल ऑप्शंस की ओर। माना कि प्लास्टिक एक कॉमन मटेरियल है इन 3D प्रिंटिंग, कुछ साइंटिस्ट नेचुरल मटेरियल्स को डेवलप कर रहे हैं जो वाटर या सेलुलोज काइटिन बेस्ड है। दो सबसे ज़्यादा यूज होने वाले मटेरियल है ABS एंड PLA। ये मटेरियल्स हीट होने पर सॉफ्ट और मैलेबल हो जाते हैं, जिससे आप इन्हें ओल्ड प्रोडक्ट्स को रीयूज करके न्यू प्रोडक्ट्स 3D प्रिंट कर सकते हैं। ABS का 3D प्रिंटिंग में रीयूज किया जाता है, बट ABS PLA जितना एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है क्योंकि ABS एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। इट कैन बी रीयूज मल्टीपल टाइम्स, जबकि PLA प्लान से बनाया जाता है, मोस्टली कॉर्न यानी मक्का। 1 kg ऑफ फिलामेंट बनाने के लिए नियरली 7 liters ऑफ वाटर यूज़ किया जाता है। बट अगर हम PLA को एग्रीकल्चरल वेस्ट से बनाएं तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। और एक मटेरियल है जिसे पोस्ट कंज्यूमर रिसाइकल प्लास्टिक बॉटल से बनाया जाता है, जो है PETG। इसमें 10% न्यू PETG मिक्स किया जाता है। रिसर्चर्स एनवायरमेंटल फ्रेंडली तरीके ढूंढ रहे हैं टू मेक सस्टेनेबल प्रिंटिंग मटेरियल्स सच एज असरगी, कॉफ़ी ग्राउंड, सेलुलोज, जो प्लांट्स का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। नेक्स्ट, रिड्यूस्ड एनर्जी यूज़। अब तक हम 3D प्रिंटिंग के लार्ज स्केल एडॉप्शन से एनर्जी कंजम्पशन पर क्या असर होगा ये हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते, बट स्टडीज़ ये बताते हैं कि इसका एनर्जी कंजम्पशन ओवर ए लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट कम हो जाएगा। एक स्टडी जो मिशिगन टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ने किया था, उसमें उन्होंने एक ऑब्जेक्ट को 3D प्रिंट करने के लिए लगने वाले एनर्जी को सेम प्रोडक्ट ओवरसीज मैन्युफैक्चर करके US तक शिप करने के लिए लगने वाले एनर्जी से कंपेयर किया। ये देखा गया कि 3D प्रिंटिंग को 41 से 64% कम एनर्जी लगी, क्योंकि 3D प्रिंटिंग को कम एनर्जी लगती है और ऑन साइट प्रोडक्ट बना सकते हैं, जिससे शिपिंग कॉस्ट भी नहीं लगती। बट 3D प्रिंटिंग के कुछ एनवायरमेंटल चैलेंजेस भी है, जैसे कि 3D प्रिंटिंग यूज़ करते समय नैनो साइज पार्टिकल्स का एमिशन होता है जो हार्मफुल हो सकते हैं। देखा जाए तो इसका एमिशन रेट कुकिंग, बर्निंग, सेंटेड कैंडल्स और स्मोकिंग के जितना ही होता है। बट ये एडवाइस है कि 3D प्रिंटर्स प्रॉपर वेंटिलेशन में ही यूज़ करें। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट किस टाइप के मटेरियल से यूज़ करते हैं उस पर भी डिपेंड होता है। जैसे प्लास्टिक्स हार्मफुल होते हैं, बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे तो हमें यही इम्पैक्ट कम कर सकते हैं। 3D प्रिंटिंग ने मैन्युफैक्चरर्स को लाइटर मटेरियल यूज़ करने के लिए हेल्प किया है जो ट्रेडिशनल मेथड से नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल, एयरबस ने 3D प्रिंटेड टाइटेनियम कैबिन ब्रैकेट बनाए जो एयरक्राफ्ट को हल्का बनाने के लिए यूज़ किया गया है, जिससे फ्यूल कंजप्शन कम हो गया और एमिशंस भी। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर अभी तक यंग है,
बट इसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सस्टेनेबल बनाने के लिए बहुत पोटेंशियल है। इसके लिए कंपनीज ने कॉन्शियस एफर्ट्स लेने चाहिए और सस्टेनेबिलिटी को प्रायोरिटी देनी चाहिए विद द हेल्प ऑफ 3D प्रिंटिंग। बट इसका ये मतलब नहीं है कि हर चीज़ को हम 3D प्रिंट कर सकते हैं, हमें कुछ क्वेश्चंस पूछने चाहिए। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्या किसी प्रोडक्ट को 3D प्रिंटिंग की ज़रूरत है? एंड द सेकेंड इज, क्या ये एफिशिएंट है? क्योंकि कुछ प्रोसेसेस कन्वेंशनल मास प्रोडक्शन मेथड के लिए सूटेबल है, जबकि कहीं कहीं पे हम 3D प्रिंटिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। सो चूजिंग द मोस्ट एफिशिएंट प्रोसीजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये था हमारा वीडियो रिगार्डिंग द एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ यूजिंग 3D प्रिंटर। सो प्लीज़ कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकॉन, सो आप कोई न्यू वीडियो मिस ना करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप प्रिंटिंग।